नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। फ़िलहाल मौजूद हूँ आधार हॉस्पिटल की बैक साइड में, हिसार के अंदर। जो काले कानून है, किसी का भी घर तोड़ देना, किसी का मकान तोड़ देना, इसके ख़िलाफ़ जो आवाज़ हम उठा रहे हैं, इसी श्रेणी में यहाँ के जो रिहायश में रहने वाले लोग हैं उनके हम बयान ले रहे हैं, और क्या उनकी जो कहना है इसके बारे में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से जो हम आवाज़ उठाते हैं, किसी का भी मकान है, किसी का घर है, उसको तोड़ना गलत है, और ये जो कानून है इसके विरोध में हम आवाज़ उठा रहे हैं। और इसमें यहाँ पे कॉलोनी के वासी हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं, उनकी राय भी जान रहे हैं। महिला है जो अपना कुछ काम कर रही थी यहाँ पे, आपकी यहाँ पे गाय भैंस वगैरह भी रखी हुई है। राम राम जी। राम राम जी। आपका शुभ नाम जी? मंजू है जी। मंजू जी, ये जो घर बनाया आपने, तो इसमें एक कानून है, क्या आपको पता है कि सरकार किसी के भी घर को गैर कानूनी बना के तोड़ सकती है? हाँ जी। पता है इस बात का? हाँ जी, तोड़ती है जी। तोड़ती है ना? हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि ये कानून सही है कि गलत है, क्या है? ये तो गलत है जी। गलत है। हम गरीब आदमी, हमारे पेट पे पट्टी रख के और पालते हैं, तो जी, और सरकार तोड़ देती है तो जी, आप गलत है जी ये तो। आ जाओ जी। आपने जो मकान बनाया, तो सारी जिंदगी की मेहनत का पैसा लगाया होगा आपने? हाँ जी जी। हाँ जी। तो जब किसी इंसान की सारी जिंदगी की मेहनत का पैसा जी, उसके ऊपर जब बुलडोजर चलता है, कैसा महसूस होता है आपको? बहुत गलत होता है जी, हम तो रोने लग जाते हैं। तो बहुत ही गलत है ये जी। पैसा खतर, ये फरड़ा तोड़ दी हंडू यहां का खतर। आ जाओ जी, आ जाओ नजदीक, आ जाओ थोड़ा सा इनमें कोई तोड़ देता फिर क्या का फायदा है जी? ये मजदूर आदमी है, कोई मार्केट, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई कोई दुकान नहीं, कोई करना नहीं, कोई डंगर रखता। आपकी कमाई का जरिया क्या है, कैसे घर चलाते हैं आप? आपका कोई, मैं तो कोई खेती करता हूँ, जमींदार और की है, कोई जमींदार है, कैंटीन दुकान है हमारे पास तो। अच्छा अच्छा, चाय चाय की दुकान है आपकी? ओके। बस रखता हूँ, बस और डंगर पालता है और की करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो जब ये सरकारी गाड़ियाँ आती है, पुलिस वाले आते हैं, पंजा लेके आते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप उस टाइम पे? बहुत ही गलत करते हैं जी। हम तो सारे बच्चे बाहर बैठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं। रोने लगे बच्चे मेरे सारे, उड़े दादी तोड़ेगा अपने घर, तोड़ेगा मैं भाई तोड़ेगा, तो देखी जाएगा भीतर बैठा, बाहर बैठ गया आगे, बच्चे डर दे आ बाहर बैठ गया आगे जी। मैं तो ये मारकर कोई सात दिन और रात को नहीं। कहाँ से हो आप वैसे, बेसिकली कहाँ से हो आप? शेरड़ा से। हाँ जी, हम शेरड़ा हिसार में ही है ना, राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान में है। हाँ। ठीक है, तो राजस्थान में आप यहाँ पे आए कुछ दो पैसे कमाने के लिए आए, कमाने और डर इस बात का लगता है कि कहीं कोई प्रशासन आके आपका मकान ना तोड़ दे। जी, तो इसके खिलाफ जो मुहिम है दोस्तों, हम भी चला रहे हैं और आपसे भी समर्थन की उम्मीद करते हैं। यहाँ पे जो भी कॉलोनी के निवासी हैं उनसे भी हम बात करेंगे, और इस जब तक ये कानून ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आपसे सपोर्ट की उम्मीद करते हैं, सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें हमारी इस मुहिम को, इस कानून को ख़त्म करवाने में हमारा सहयोग करें। हम हिंदुस्तान के वासी हैं, किसी आदमी ने अपना घर बना लिया, सारी ज़िंदगी की मेहनत का पैसा लगा के अपना मकान बना लिया, और उसके बाद में सरकार आती है, कहती है कि आपका घर है वो नाजायज़ है, आपका घर है वो इल्लीगल है, तो आपको लगता है कि आप आज़ाद देश में रह रहे हो? जब आपको मकान बनाने का ही हक नहीं है, आपको लगता है कि आप आज़ाद हो? नहीं जी, हम तो आज़ाद नहीं हैं जी। जी, आपको क्या लगता है जी, आज़ाद हो आप? आज़ाद देश में रह रहे हो जब आपको मकान बनाने की आज़ादी नहीं है? ना, अपनी कोई आज़ादी को नहीं मिलती। रजिस्ट्री के नाम पे भी अगर किसी का रजिस्टर्ड घर है तो उससे भी लाखों रुपये लिए जाते हैं। हमें तो यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा जी, माना कुछ भी तोड़ मिले मैं तो नहीं, टाइम पास कर रहे हैं हमारे, तो गरीब आदमी है हमारे जी। धन्यवाद जी। तो अभी और भी यहाँ पे जो मौजूद कॉलोनी के निवासी हैं उनसे भी हम जाएंगे और जाके हम बात करेंगे, तो जुड़े रहिए। फिलहाल यहाँ पे जो उत्तम नगर में निवासी हैं, एक और यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? जयवीर फौजिया जी। फौजी साहब, फौजी साहब आपने मकान बनाए हुए कितना टाइम हो गया? मकान बनाए हुए जी एक साल हो गया जी। एक साल हो गया। हाँ जी। ये जो प्रशासन है इसकी तरफ से बार बार पंजा लेके आ जाते हैं, पीला पंजा जो चलता है। हाँ जी। जिसको बुलडोजर बोलते हाँ हैं। जी हाँ जी हाँ जी।
कैसा महसूस करते हैं जब ये आपका मकान तोड़ने के लिए इस तरह की कुछ? काफ़ी डर लगता है जी, काफ़ी महसूस होता है, डर लगता है। हाँ जी। तो ये जो काला कानून है, अंग्रेज़ों के वक्त का काला कानून है कि कोई आदमी भारत में भी अगर रह रहा है, क्योंकि हम गुलाम थे उस टाइम पे, तो गुलाम थे इसलिए कोई भी जो प्रशासन है वो आके उनसे पूछे बिना मकान नहीं बना सकते थे। ये जो कानून है ये इतने सालों से आज भी लागू है, आपको लगता नहीं कि अभी हम आज़ाद हो चुके हैं तो इस तरह का जो कानून है इसको ख़त्म होना चाहिए? ख़त्म होना चाहिए जी। जी, चाहे आप अनरजिस्टर्ड में रह रहे हैं, रजिस्टर्ड में रह रहे हैं, रजिस्ट्री के नाम पे एक मोटी फीस वसूली जाती है, ये ख़त्म होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्या कहते हैं? ख़त्म होनी चाहिए जी। जी, तो हम चैनल के माध्यम से जो मुहिम चला रहे हैं इस चीज़ को ख़त्म करवाने के लिए, आप समर्थन करते हैं इस चीज़? समर्थन करते हैं जी। जी हाँ जी। तो ये कॉलोनी वासी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, आपने मकान बनाया था, सारी ज़िंदगी की पूंजी लगा के बनाया आपने? हाँ जी, हाँ जी, सारी पूंजी। ओके, अब बेसिकली कहाँ से हो आप? मिर्चपुर से हैं जी। मिर्चपुर से हैं, ओके। तो दुख होता है कि पूरे जो सेवा दी आपने, देश को सेवा दी, फौज के अंदर आपने सेवा दी, और आज ये डर सताता है कि कहीं कोई मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई है उसको आके तोड़ ना दे। हाँ जी, हाँ जी। दुख होता है आपको? दुख होता है जी। डर लगता है? डर लगता है जी। तो आपको लगता है कि आप एक आज़ाद देश में रह रहे हो जहाँ पे आपको मकान बनाने का भी हक नहीं है, वास्तव में आज़ाद हो आप? अभी तो ऐसे नहीं लगता जी, और जैसे मकान तोड़ेंगे तो जी नहीं लगता है भाई, संविधान देव तो अच्छी बात है। तो आप चाहते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए? ख़त्म होनी चाहिए जी। जी, धन्यवाद जी। ठीक है जी। तो ये हमारे साथ फौजी साहब हैं जो अपना घर चला रहे हैं, यहाँ पे मकान बनाया हुआ है, और भी यहाँ पे पड़ोसी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। संघर्ष जारी रहेगा जब तक ये काले कानून है ये ख़त्म नहीं हो जाते। तो चलिए देखते हैं और जो यहाँ के वासी हैं वो क्या कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ उत्तम नगर एरिया में मौजूद हूँ, और जो यहाँ के निवासी हैं उनकी क्या राय है काले कानूनों के बारे में वो हम जानेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। क्या करते हो? डेयरी का काम है। डेयरी का काम करते हो, ठीक है। तो जो ये कानून है कि किसी के भी मकान को अवैध बना के और तोड़ देना, सरकार जिस टाइम पे अंग्रेजों का शासन होता था उस टाइम पे ऐसे कानून होते थे कि कोई अपनी मर्जी से मकान नहीं बना सकता। आज के टाइम में अगर आपने अपनी मर्जी से मकान बना लिया, आपने कोई किसी की सरकारी ज़मीन पे तो कब्जा नहीं किया नहीं, ना? सरकारी पे नहीं, मॉल खरीद के फिर भी आपको डर लगता है कि आपका मकान कोई तोड़ने के लिए आ जाएगा, कैसा आप महसूस करते हैं? गलत है, बात ये गलत है, ये मकान तोड़ना और करना जी। हाँ। आप चाहते हैं कि ये कानून ख़त्म हो? हाँ, कानून ख़त्म होना चाहिए, भी मकान तोड़ के बहुत खर्चा लगता है इस पर जी। कोई आदमी है वो सारी ज़िंदगी की अपनी मेहनत का पैसा है वो लगा के तोड़ता है, और सरकार उसको अवैध करार देके और तोड़ देती है, पीला पंजा उस पर चलाती है। हाँ जी, गलत कार्रवाई है। गलत कार्रवाई है। आप क्या करते हैं? जी, पशु डेयरी करते हैं हम तो। पशुओं की डेयरी है आपकी? ओके। आप अच्छा, आपके आप पिता हैं? ठीक है। तो आप मानते हैं कि ये कानून ख़त्म होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। और भी हमारे साथ महिलाएं हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? शकुंतला। शकुंतला जी, आप क्या करते हो? हम जॉब करते हैं सर। जॉब करते हैं। आज जॉब पर नहीं गए आप? जॉब से आए हैं सर अभी। अच्छा, जॉब से आए हो। तो ये जो कानून है, अंग्रेज़ों के समय में क्या होता था कि जब किसी को दबाना होता था तो अंग्रेज की उसके मकान को अवैध बना के तोड़ देते थे, बता के तोड़ देते थे, और आज भी यही कानून जो है तो चल रहा है। इंडिया स्वतंत्र हो रही है, ये कानून आप, आपको लगता है कि आप आज़ाद हैं जब आपके घर बनाने नहीं रहे, जब सारी उम्र की कमाई है, मेहनत है, ये मकान में ही लगाते हैं, फिर ये इतना लगाते हैं तो फिर ये डर रहता है कि ये तोड़ ना दे, आ भी जाते हैं नगर निगम वाले, अवैध है, फिर अवैध है तो फिर ये पहले देते क्यों हैं, या तो फिर मना ही कर दो, कॉलोनी ना काटो, फिर तो काटते क्यों हैं ये। रजिस्ट्री के नाम पे भी बहुत मोटे पैसे लिए जाते हैं, और सरकारी फीस भी बहुत मोटी होती है, लाखों रुपए में फीस होती है। आपको लगता नहीं कि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए रजिस्ट्री के सर, नाम पे? ये तो है, होनी चाहिए सर, ये तो कानून ख़त्म होना चाहिए। इतने काम करते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, मजदूरी है, कितने महंगाई में है, फिर ये काम करते हैं, इतना सारी उम्र कमाते हैं माँ बाप, ये एक मकान बना के देते हैं इसके लिए भी, ये फिर तोड़ देते हैं आते हैं, तो ये तो कानून गलत है ना, ये तोड़ना चाहिए। धन्यवाद जी। आप भी आ जाइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुनीश है। मुनीश जी,
क्या मानते हैं आप जो ये कानून है लंबे समय से चल रहा है? ये बिल्कुल डर के साए में जीते हैं आप? हाँ जी, डर के साए में जीते हैं। हमेशा ये डर रहता है कि अब आए कल आए और तोड़ देंगे मकान को, यही रहता है डर सारी बार। ओके, तो कानून को आप चाहते हैं कि काले कानून खत्म हो? ये काले कानून खत्म होने चाहिए और हमें भी स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता दी जाए और इस कानून को ख़त्म किया जाए। जी, अभी गुलामों वाली फीलिंग आती है आपको? हाँ जी बिल्कुल, यही फीलिंग आती है कि हम स्वतंत्र भारत में भी गुलाम हैं। ओके, एक गुड़िया है, गुड़िया इधर आना, आ जाओ। क्या नाम है आपका? रितु। पीछे खड़े खड़े हंस रहे थे। तो गुड़िया, वैसे आप भविष्य हो देश का, अभी छोटे हो बट बड़े हो गए तो देश के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे, क्या मानते हो? इस तरह का आपका घर है, आपके घर को कोई तोड़ने आए, आपके पापा ने सारी ज़िंदगी की कमाई से बनाया होगा, कैसा लगता है आपको? ये तो बहुत गलत है सर, ऐसे करना नहीं चाहिए इनको। कौन सी क्लास में हो अभी? बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग में हो? हाँ। लग तो छोटे ही रहे हो। ओके, कहाँ पढ़ते हो? बरवाला नर्सिंग कॉलेज। बरवाला में पढ़ते हो, डेली आना जाना करते हो? हाँ। ओके, तो ये जो कानून बनाए गए थे अंग्रेजों के समय के कानून हैं, और अभी जब हम आज़ाद देश में रहते हैं आपको फीलिंग आती है कि आप वास्तव में आज़ाद हो, आप अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हो? नहीं, घर ही जब आपका घर सुरक्षित नहीं है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जब आपका घर ही सुरक्षित नहीं है, आपको आपने जो बनाया है घर सारी ज़िंदगी का पैसा लगा के, सरकार एक मिनट लगाती है इसको अवैध बताते हुए, कैसा महसूस होता है? बहुत बहुत ही बुरा महसूस होता है जब ये तोड़ते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं। विरोध करते हो आप? हाँ। ओके, आपसे मानता कौन है यहाँ पे? ये आते हैं बोलते हैं साइड हो जाओ, आके तोड़ देते हैं सारी उम्र की मेहनत की कमाई को, तो विरोध तो करें। आप भी आ जाओ जी, आगे आगे मेरा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने नाम का बोल दो। और कि आप अपने नाम का बोल दो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम केसर है। केसर जी, ये आपने धूप सेकने के लिए जगह बना रखी है? और धूप सेकने के लिए बना रखी है, अंदर तो आओ। ओके, गांव तो आओ कौन अंदर। अच्छा, तो वैसे आप कहाँ से हो, आपका पीछे गांव कौन सा है? गांव बांडेड़ी। बांडेड़ी, ठीक है। तो मकान बनाया तब से आपको डर नहीं लगता कि प्रशासन आएगा? बिल्कुल लग गए, लग गए क्यों को नहीं, डर तो लग गई है, सरकार तो मानती तो है नहीं, आगे पंजा चला दे दौर तो कुछ चलता नहीं, फिर क्या करता। क्या काम करते हैं आप? मेरी डेयरी पालन गई कर। अच्छा, डेयरी का है। ओके, ठीक है। तो जो कानून है इसका विरोध करते हैं आप? हाँ, करता हूँ बिल्कुल, करा भी। कानून खत्म होना तो ये सबके लिए मजबूरी है, या तो जी कानून है खत्म होना चाहिए। तो जो साथी हैं जो देख रहे हैं उनसे भी हम अपील करते हैं, समर्थन कीजिए हमारी मुहिम का, और ये जो काला कानून है ये ख़त्म होना चाहिए, जनता के हक की बात है। चाहे आप आज़ाद देश में हम रह रहे हैं, एक आम आदमी को इतना हक नहीं है कि वो सारी ज़िंदगी का पैसा लगा के और अपनी मर्ज़ी से कहीं मकान बना सके। इन्होंने कोई सरकारी ज़मीन पे कब्जा नहीं कर रखा, प्राइवेट जो जगह है वहाँ पे मकान बना रहे हैं, तो इतना हर आदमी का हक होना चाहिए। और भी यहाँ पे पड़ोसी हैं, उनसे भी हम जाके बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। फ़िलहाल मौजूद हूँ एक और जो यहाँ पे निवासी हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है इन काले कानूनों के बारे में। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिजेंद्र है जी, मैं एक सर्विसमैन हूँ, मैंने 30 साल फौज में नौकरी किया है। देश के लिए आपने आपने सेवा की है, देश की रक्षा के लिए आपने सेवा की है। हाँ, यस। तो आप जब एक अंग्रेजों का एक कानून है, अंग्रेजों ने जब किसी आदमी को दबाना होता था उस टाइम पे क्या करते थे कि उसके घर को अवैध बना के बता के तोड़ देते थे? हाँ, यस, ये, हाँ, यही करते थे। और आज़ादी को अभी 75 साल हो चुके हैं, हाँ, उसके बाद भी एक आम आदमी को या एक ऐसे व्यक्ति को जिसने सारी ज़िंदगी देश की सेवा के लिए गुजार दी, उसको इतना हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कहीं मकान बना सके, सरकार अवैध बता के तोड़ देती है, क्या राय देते हैं आप इसके बारे में, क्या कहना है आपका? देखो जी, ये जो सरकार इस तरह के जो काम कर रही है, एक नॉर्मल आदमी
अभी मेरे से लगाओ कि मैं एक सर्विस करके आ, 30 साल सर्विस करके आ और नौकरी करके यदि मैं अपना एक मकान बनाता हूँ, अब मैं शहर में रह रहा हूँ, एक ये कॉलोनी जो काट रहे हैं जो बिल्डर हैं या जो इनको लाइसेंस गवर्नमेंट दे रही है, इनको मान्यता प्राप्त दे रही है, तो वहाँ हमने प्लाट लिया है तो हमने पैसों से लिया है, हमने ऐसे तो उन्होंने फ्री नहीं सारी दिया। जिंदगी की कमाई, जिंदगी की कमाई यदि मैं अपने मकान पे लगा रहा हूँ और फिर वो पीड़ा पंजे वाले गवर्नमेंट आ जाती तोड़ के चले जाते हैं, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी बताओ, कि वो आदमी तो पूरा बर्बाद हो जाएगा, रोड पे आ जाएगा, क्या करेगा? तो फिर ये सारी जिंदगी अगर इसने पैसा लगाया है तो फिर ये क्यों पीड़ा पंजे वाले आ रहे हैं तोड़ रहे हैं जी? तो उसके ऊपर तो गवर्नमेंट ने ये देखना चाहिए कि भाई अभी इस आदमी ने एक अपना एक रहन बसेरा बनाया है, अपने बच्चों को बैठाने के लिए घर बनाया है और उसको तोड़ के चली जाती है, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी जी? तो इनको इनका जब घर बन गए हैं, जब वहाँ बन गए, तो उसको वेद करो, अवैध क्यों कर रहे हो उसको? अवैध शब्द ही, मेरे जहाँ तक मेरा मानना है, अवैध शब्द ही खत्म होना चाहिए। yes, किसी के घर अगर उसने सरकारी जमीन पर नहीं बनाया है तो उसको अवैध बताने का कोई मतलब नहीं बनता। सही बात है, यदि उसने यदि चाहे तो यदि बेस सोचा समझा बना दिया है रोड के सरकारी जमीन पर बना दिया है, सरकारी फ्लैट पर बना दिया है कि यहाँ सरकारी रोड पर बना दिया है, तो फिर उस पर्सनल आदमी की गलती अवैध है, अवैध है। यदि उसने वहाँ यदि मकान बन रहे हैं जिन्होंने प्लाट काट करके दिए हैं, वो हमारे से पैसे ले गए हैं, उन्हें अपना प्रूफ दिया है कि ले भाई ये आपका रजिस्टर्ड है, ये प्लाट ये है, तो फिर क्यों ये गवर्नमेंट ऐसी क्यों कर रही है? हर एक आदमी के साथ रो रहे हैं, अंगूठे दे दे करके आंखों में रो रहे हैं। अब दूसरा मेरा जो सवाल है कि अगर आपने मान लीजिए सेक्टर में भी मकान बनाना है, सेक्टर में अगर आपने मकान खरीदा तो सरकार आपसे रजिस्ट्री के नाम पे लाखों रुपए का चार्ज जो है लिया जाता है, उसके बदले में सरकार का तर्क ये रहता है कि आपसे जो पैसा लिया गया है उसके बदले में हम सुविधाएं देते हैं, ऐसी कौन सी सुविधा आपको लगती है जो सरकार आपको देती है और उसके लिए लाखों रुपए चार्ज करती है? ऐसी कौन सी सुविधा दे दी है कि यदि रोड बनाया रोड टैक्स ले रही है, पानी दिया पानी का बिल ले रही है, लाइट लगाई लाइट का बिल ले रही है, और यदि और चीज़ देती तो उसका भी चार्ज कर रही है, तो कौन सी सुविधा दे देगी? वो फ्री में सुविधा थोड़ी दे रही है कि रजिस्ट्री पे इतना चार्ज लगा रही है, और अगर हम रजिस्ट्री पे इतना चार्ज लगा करके हम ये चीज़ें फ्री दे रहे हैं, फ्री तो नहीं दे रही ना, उस पर चार्ज लगा रही गवर्नमेंट, हर एक चीज़ पर कमाई कर रही है, उससे कमाई कर रही है, तो लाखों रुपये का रजिस्ट्री के नाम पर जो चार्ज होता है वो तो गलत है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं इसके खिलाफ हम मतलब आवाज़ उठा रहे हैं, जनता की भी राय ले रहे हैं, क्या आप इस मुहिम में बिल्कुल समर्थन करते हैं? हम इस चीज़ को बहुत अच्छी है, यदि गवर्नमेंट के पास ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए, जो होदेदार बैठे हैं हमारे जो अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, तो इन चीज़ों पे विचार करें, और ऐसी बात नहीं, चाहे सरकारें तो बदलती रहती सरकार है, लेकिन किसी की भी सरकार किसी की हो, लेकिन कानून है जो गलत है तो गलती है। यदि जो कानून यदि हम सभी नेता जब स्टेज के बीच में आते हैं, हम पब्लिक के लिए ये करते हैं, वो पब्लिक के लिए करते हैं, भाई पब्लिक ही सरकार आपको बनाती है, आपको करके आगे बेचती है, तो पब्लिक के जो वादे हैं उनके ऊपर खरा उतरना चाहिए सरकार ने, तभी तो एक पब्लिक का विश्वास जताएगा कि हमारी सरकार बहुत अच्छी। बाहर देशों में क्यों हो रहा है, बाहर देशों में ये काले कानून क्यों नहीं है, वो सारी चीज़ सरकार तो वो भी चले, देश तो वो भी चल रहा है, ये हमारे क्यों नहीं चल रहा है ऐसे जी? तो ये है हमारे साथ फौजी साहब, जिन्होंने अपनी बात रखी, और आपकी क्या राय है आप भी जो है कमेंटों के माध्यम से बता सकते हैं, और सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि इस मुहिम में हमारा साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी चलते हैं अगले घर में और अगले जो पड़ोसी हैं उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। तो फिलहाल मौजूद हूं एक और जो यहां के निवासी हैं उनके साथ में, और उनकी हम राय जानेंगे, उनका क्या कहना है। नमस्कार जी। नमस्ते जी। आपका नाम जी? सुदेश। सुदेश जी, जो ये कानून है किसी के भी घर को अवैध बना के बता के जो सरकार तोड़ देती है, क्या आप मानते हैं कि आप वास्तव में एक आज़ाद देश में रह रहे हैं जहाँ पे एक आज़ाद व्यक्ति को इतना हक नहीं है कि वो अपना मकान अपनी मर्जी से कहीं बना सके? जी ये तो गलत बात है, सारी उम्र की कमाई पूंजी अपनी इकट्ठा एक एक पैसा करके तो ज़मीन खरीदते हैं, फिर उसको मकान बनाते हैं, पूरी उम्र की कमाई लगती है और उसको तोड़ दे, आदमी जिंदा थोड़ा रहता है, वो तो जीते जी मर जाता है जी। आपको लगता है कि आप वास्तव में आज़ाद हैं, आपको जब मकान बनाने का भी हक नहीं है? ये कुछ आज़ादी नहीं है, ये तो एक बंधनहा हो गया भाई, उसी के हिसाब से जो हमें थोड़ा पता ही है अवैध है कि लेते हुए नहीं पता चलता इतना।
वो तो बता देते हैं ठीक भाव लगते हैं, अब जाके सेक्टरों में तो हम खरीद नहीं सकते। सेक्टरों में खरीदने के लिए एक बहुत मोटी जो है फीस देनी पड़ती है, और इसके अलावा वहाँ पे यहाँ खरीद लिया था ठीक है थोड़ा कम रेट है और खरीद लो। रजिस्ट्री के नाम पे भी जो सेक्टर वासी हैं उनको भी रजिस्ट्री के नाम पे एक बहुत मोटा पैसा देना पड़ता है, 4-4, 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए तक जो है उसकी फ़ीस रहती है, 2 लाख से शुरू हो जाती है, 1 लाख से शुरू हो जाती है, मकान के साइज़ पे डिपेंड करती है। ये जो पैसा है इसके बदले में हमें कोई फैसिलिटी सुविधा इस तरह की नहीं दी जाती। आपको मानते हैं कि ये पैसा लेना सरकार का सही है? नहीं जी, ये तो कहाँ सही है, इतनी मुश्किल से मकान बनते हैं और ऊपर से इनको पैसा है, आगे भी लेते रहते हैं तो सेक्टरों में तो वो एनहांसमेंट बोलते हैं उसको कि आपकी एनहांसमेंट आ गई। एनहांसमेंट आप मानते हैं एनहांसमेंट सही है गलत है? जी गलती है और क्या जी, आम आदमी कहाँ से इतना पैसा लाता है, बच्चे पढ़ाई आज के खर्चे ही बहुत हो गए जी। आपका कमाई का साधन क्या है? मेरे हस्बैंड नौकरी करते हैं जिंदल फैक्ट्री में, और कुछ नहीं है बस यही है। उन्होंने सारी जिंदगी का मेहनत करके और अपना घर बनाया, हाँ। पैसा सारी जिंदगी का लगाया, हाँ, सारी जिंदगी का। कल को कोई सरकारी कर्मचारी आके यहाँ पे पुलिस वाले खड़े करके और कहते हैं कि जी आपका मकान अवैध है, कहते हैं कहा भी है पहले, हम तोड़ेंगे इसको, हाँ, कैसा हाँ, लगेगा आपको? हमें तो निकाल, लेकिन यहाँ कॉलोनी में पीछे तोड़ने आए थे, तोड़ा भी था जी। तो उनको हम देखा था भाई, वो आगे लेट गए थे जैसी भी के आगे, तो विरोध करते हैं इस कानून का? हाँ, उनका उनके साथ थे हम, क्योंकि वो बेचारे सारी उम्र की कमाई आगे तक की लोन लेकर फिर उन्होंने मकान बनाया और फिर उसको तोड़ दे, ये थोड़ा। और रजिस्ट्री के नाम पे जो मोटा पैसा वसूला जाता है, क्या आप उसका विरोध करते हैं? हाँ जी, उसका करते हैं विरोध और क्या जी। धन्यवाद जी, थैंक यू जी। तो ये है यहाँ पे निवासी हैं जिन्होंने अपनी राय दी, और भी यहाँ पे जो हमारा संघर्ष है चलता रहेगा कॉलोनी वासियों से, डेली आपके लिए न्यूज़ लाएंगे इसी चीज़ से रिलेटेड, और जो भी समाज की समस्याएं हैं उनसे संबंधित भी न्यूज़ लाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नई न्यूज़ नए रिव्यू के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।